शिशु चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें और इस चैनल से जुड़ें और सुबह शाम प्रार्थना करें। परमेश्वर आपकी जिंदगी में हर एक घटी और कमी को पूरा करे। हालेलुया, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु मसीह के नाम से सुंदर से समय के लिए और सुंदर से रात्रि के समय और शाम के वक्त हम आपकी महिमा करते हैं, आपका धन्यवाद करते हैं। आज जो भी आपके बच्चे, आपके बेटे और बेटियां जुड़ रहे हैं पिता, आज उनके जीवन को छूने वाले हैं। हालेलुया, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। इस सुंदर से शाम के लिए हम धन्यवाद करते हैं और पिता आपने हमें सुबह से लेकर के शाम तक सुरक्षित रखा। आपने मेरे घर परिवार, माता पिता, भाई बहनों को, सभी को आपने सुरक्षित रखा। आपने मेरे दोस्तों को, आपने मेरे घर परिवार को, हर एक चीजों में आपने मेरी सहायता की, आपने मेरी मदद की। इसके लिए मैं दिल से आपका बहुत बहुत दिल से धन्यवाद करता हूँ परमेश्वर। हालेलुया। मेरे प्रिय भाई बहनों, आज जितने लोग भयभीत थे, आज जितने लोग चिंतित थे, मेरे बहुत सारे ऐसे मसीह भाई बहन हैं जो प्रार्थना करते हैं और उनकी प्रार्थना को उत्तर नहीं मिल रहा है, लेकिन वो आज धैर्य रखेंगे, आज वो धैर्य रखेंगे, विश्वास रखेंगे, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह आपके जीवन में आपको आजाद करने के लिए आए हैं, आपको बीमारियों से छुटकारा देने के लिए आए हैं, आपको जीवन देने के लिए आए हैं, आपको हर प्रकार की मुश्किल घड़ी से बचाने के लिए परमेश्वर आए हैं। तो परमेश्वर की महिमा हमें करना है, उसका धन्यवाद करना है और उसके वचन को फॉलो करना है। जिस दिन हम उसके वचन को याद रखेंगे, क्योंकि वचन के ही द्वारा हमारे जीवन विश्वास बढ़ता है। प्रार्थना तो हर कोई करता है, लेकिन हमारे जीवन में जब तक वचन नहीं आएगा, तब तक हम विश्वास से दृढ़ और संकल्प नहीं ले सकते हैं मेरे प्रियों। हालेलुया, प्रभु आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। आज जितने भी मेरे मसीह भाई बहन हैं, आज परमेश्वर उनके दिल में, उनके जीवन में शांति देने जा रहा है। खुदावंद आपको आजाद करने जा रहा है हर प्रकार की मुश्किल घड़ी से, हर प्रकार की चिंताओं से, हर प्रकार की समस्याओं से परमेश्वर आपको आजाद करने जा रहा है। हालेलुया, धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। इसीलिए मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन कहता है, हे मेरे पुत्र, यदि तू मेरे वचन को ग्रहण करे और मेरी आज्ञाओं को अपने हृदय में रख छोड़े। परमेश्वर का वचन क्या कहता है मेरे प्रियो, आज हर एक मसीह भाई बहन के लिए है, चाहे उम्र में छोटे हों, बड़े हों, इससे कोई फर्क परमेश्वर को नहीं पड़ता है, क्योंकि परमेश्वर ने आपको आत्मा दी है। आत्मा कभी ना बूढ़ो ही होती है, ना कभी वो जवान होती है, ना वो कभी छोटी होती है। चाहे वो छोटा बच्चा हो, चाहे वो आज जन्म लिया हो, परमेश्वर ने उसे आत्मा दिया है, तो वो उसी तरीके रहेगा जिस तरीके वो 60, 70 साल, 80 साल बाद रहेगा। हालेलुया, इसीलिए परमेश्वर आपकी आत्मा को देखता है, आपकी आत्मा को देखता है। आज हमारे लिए परमेश्वर का वचन कहता है, परमेश्वर ने सबको एक समान समझा है। मेरे बहनों, मेरे भाइयों, सभी के लिए परमेश्वर ने एक समान समझा है। आप अपराध करते हैं, गुनाह करते हैं, पाप करते हैं, व्यभिचार करते हैं, लेकिन परमेश्वर आपको कहता है कि तुम चिंता मत करो, मैं जानता हूं कि तुम्हारे अंदर पाप का स्वभाव है, लेकिन आपको घबराना नहीं है, आपको चिंतित नहीं होना है, मैं आपको बचाऊंगा। हालेलुया, धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। इसीलिए परमेश्वर का वचन कहता है, हे मेरे बेटे और बेटियों, यदि तुम मेरे वचन को ग्रहण करो, या फिर ग्रहण आपने कर लिया है, उसे ध्यान से समझो, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है, और मेरी आज्ञाओं को अपने हृदय में रख छोड़ो, यानी अपने हृदय में उसे बसा करके रखो। यदि आज परमेश्वर का वचन कहता है कि तू चिंता मत कर, तो हमारे दिल में उस वचन को याद रखना चाहिए कि परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह ने कहा था कि तुम चिंता मत करो। जब तुम एक बाल को, जब आपका बाल सफेद हो जाता है, उसे काला नहीं कर सकते हो, तो किस बात की चिंता करते हो। जिस दिन आपको ये वचन याद रहेगा, जब प्रभु यीशु मसीह अपने शिष्यों को समझा रहे थे, तो उस दिन हमारे अंदर इतनी पावर आएगी, इतनी ताकत आएगी कि प्रभु यीशु मसीह ने कहा था कि हमें चिंता नहीं करना है, तो आप उस समय रिलैक्स महसूस करेंगे। जब भी आप घबराहट को महसूस करें, चिंता को महसूस करें, तो तब परमेश्वर के वचन को याद करिए। परमेश्वर आपको छुड़ाने वाला है, वो आपको जीवन देने वाला है। इसीलिए परमेश्वर का वचन कहता है, और बुद्धि की बात पर ध्यान से सुनो,
आज ये परमेश्वर की बातें हैं, आज इसे हमें ध्यान से सुनना है। हर एक काम को अवॉइड कर देना है, हर एक काम को बाहर कर देना है। जब हम प्रार्थना करें, जब हम वचन को सुनें, तब उसकी बातों पर ध्यान दे करके सुनें। बुद्धि और समझ को नियंत्रण में रखते हुए हम प्रभु के वचन को सुनें। जब हम ये काम करेंगे तो परमेश्वर का वचन कहेगा, भले ही मेरा बेटा या मेरी बेटी 24 घंटे काम करते हैं, लेकिन मेरे लिए समय तो निकालते हैं। परमेश्वर आपके समय को देखेगा और जब प्रार्थना विनती करेंगे, निवेदन करेंगे, तो परमेश्वर आपको आशीष देगा। परमेश्वर ने कहा था कि इस धरती पे जिस तरीके से आदम और हव्वा ने पाप किया था, उसके बाद से संसार में पाप आया, मृत्यु आई, जीवन अनेक प्रकार की समस्या आ गई जीवन में। लेकिन क्या हम उसको बदल सकते हैं? ना ही परमेश्वर बदल सकता है और ना ही हम बदल सकते हैं। क्यों? क्योंकि परमेश्वर पवित्र है। यदि उस पाप को मिटाएगा तो परमेश्वर खुद अपने ऊपर, प्रभु यीशु मसीह ने लिया पाप को अपने ऊपर लिया, भेजा 2000 वर्ष से ज्यादा अधिक पहले प्रभु यीशु मसीह की सृष्टि पर परमेश्वर ने भेजा मनुष्य के रूप में आकर के, लोगों के बीच में आकर के प्रभु यीशु मसीह रहे। तो परमेश्वर ने हमारे पापों को जब अपने ऊपर ले लिया है तो आज हमें घबराने की आवश्यकता नहीं है। इसीलिए परमेश्वर का वचन कहता है, और बुद्धि की बात से ध्यान से सुनो और समझ की बात पर मन लगा करके सोचो और प्रवीणता से समझ के लिए यति यत्न से उसे पुकारो। यदि आज हम सच्चे हृदय से, सच्चे मन से परमेश्वर को ग्रहण करते हैं तो परमेश्वर हमें आशीष देने वाला है, क्योंकि बुद्धिमान की महिमा परमेश्वर करेगा। क्या कहता है परमेश्वर? बुद्धिमान महिमा को पाएगा और मूर्खों की बढ़ती अपमान की उनकी अपमान होगी मेरे पे। यदि आज मूर्ख अपने आप को ये समझते हैं कि मैं बहुत बुद्धिमान हूँ, बहुत ज्ञानी हूँ, तो परमेश्वर की नजर में एक तुच्छ प्राणी है। लेकिन परमेश्वर ने क्या कहा? यदि तुम बुद्धिमान बनोगे, जब मेरे वचन को सुनोगे, मुझसे प्रार्थना करोगे, तुम दृढ़ निश्चय करोगे, मजबूत होगा आपका हृदय, तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। परमेश्वर आपको स्टेप बाय स्टेप आपको बढ़ाता चला जाएगा, आपको मजबूत करता चला जाएगा। उसमें आप कभी भी ना पीछे गिरेंगे और ना ही आगे आप कभी गिरेंगे। क्योंकि चलाने वाला कौन है आपको? परमेश्वर है। आपको संभालने वाला कौन है? परमेश्वर है। आपके घर को कौन संभालता है? परमेश्वर संभालता है। आपके जीवन को कौन संभालता है? परमेश्वर संभालता है। यदि आज आप श्वास ले रहे हैं तो वो परमेश्वर की देन है। यदि 10 सेकंड के लिए, 1 सेकंड के लिए परमेश्वर आपकी सांसें छीन ले तो क्या आप जीवित रहेंगे? नहीं रहेंगे, क्योंकि परमेश्वर आपके साथ हर पल, हर समय, हर घड़ी है मेरे प्रियो। आज आपके जीवन में कितनी भी बड़ी चिंता क्यों ना हो, आज आप बहुत ज्यादा संसारिक रीति रिवाज में फंसे हैं। बहुत सारी संसार की रीति रिवाज को छोड़ दीजिए मेरे प्यों, क्योंकि वो एक मनुष्य के द्वारा बनाया गया है। उसमें हमें नहीं फंसना है, हमें केवल प्रभु पर विश्वास रखना है, प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास रखना है और उससे विनती और प्रार्थना करना है। और जिस दिन हम प्रभु यीशु मसीह के नाम से विनती और प्रार्थना निवेदन करेंगे, उस दिन परमेश्वर हमारे साथ हर पल, हर समय, हर घड़ी रहेगा। आज जितने लोग भी चिंतित हैं अपने बच्चे के जीवन को लेकर के, हम उन्हें कैसे पढ़ाएंगे, हम उन्हें कैसे शिक्षित करेंगे, परमेश्वर का वचन कहता उनके लिए दुआ करो, उनके लिए प्रार्थना करो। क्योंकि शैतान आज हर एक क्षेत्र में, हर एक क्षेत्र में, कोई ऐसा क्षेत्र नहीं है जहां पर उसने अपना हक ना जताया हो। हालेलुया। लेकिन परमेश्वर आपको बचाने के लिए आया है, आपको जीवन देने के लिए आया है, आपको समझाने के लिए आया है। इसीलिए परमेश्वर ने यह भी कहा था कि हे मेरे बेटे बेटियों, हे मेरे जवान बेटियों बेटियों, मेरी बात को ध्यान से सुनो। व्यभिचार मत करना, चोरी मत करना, हत्या मत करना। परमेश्वर ने आपको क्या दिया है? आपको दो हाथ दिए हैं। परमेश्वर ने आपको इतना स्ट्रॉन्ग किया, मजबूत किया है, आप कमा करके खा सकते हैं। चोरी क्यों करना? परमेश्वर का वचन कहता है, आज परमेश्वर ने आपको मजबूत किया है। इसीलिए याद करिए उस समय को जब आदम और हव्वा को परमेश्वर ने कहा था, तो इस धरती पर जितना बोएगा, जितना मेहनत करेगा, उसका आधा फल भी नहीं पाएगा। आज वो बात सत्य है मेरे भाइयों। आज हम बहुत मेहनत करते हैं लेकिन हमें फल नहीं मिलता है, क्योंकि आप याद करिए उस समय को। लेकिन जब से प्रभु यीशु मसीह आए, यदि उसके नाम से विनती और प्रार्थना निवेदन करते हैं तो परमेश्वर हमें छुड़ाएगा हर एक प्रकार की मुसीबत से। हालेलुया। धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। इसीलिए परमेश्वर का वचन कहता है,
अनेक प्रकार की समस्याओं से आपको घेरना नहीं है, आपको आजाद रहना है। प्रभु यीशु मसीह ने आपको आजाद करने के लिए प्रभु यीशु मसीह आए सृष्टि पर, संसार पर, आपको बीमारियों से, आपको छुटकारा से, अनेक प्रकार की दुष्ट आत्माओं से, अनेक प्रकार की गंदी आत्माओं से, अनेक प्रकार के दुख से, अनेक प्रकार की तकलीफों से प्रभु यीशु मसीह आपको बचाने के लिए आए हैं। हालेलुया, धन्यवाद यीशु, प्रभु आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। जितने भी मेरे मसीह भाई बहन जुड़ रहे हैं, परमेश्वर आज उनकी जिंदगी को आजाद करने जा रहा है, आज उनकी जिंदगी को छूने जा रहा है। हालेलुया, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, प्रभु आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। परमेश्वर आज आपकी जीवन की हर एक प्रकार की समस्याओं को खत्म करने जा रहा है। हालेलुया, हर एक बातों को लेकर के जो आपके मन में है, इसमें सोच रहे हैं, परमेश्वर जितने लोग प्रार्थना कर रहे हैं, दुआ कर रहे हैं, परमेश्वर आज आपको आजाद करने जा रहा है। आपको हर एक प्रकार की समस्याओं से, हर प्रकार की बीमारियों से, हर प्रकार के रोगाणु विषाणु निर्बलताओं से आज वो आपको आजाद करने जा रहे हैं, मसीह के नाम से। हालेलुया, 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 धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, प्रभु आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा करते हैं, आपकी महिमा करते हैं। हे परमेश्वर, आपने बहुत सारे लोगों को ठीक किया है, बहुत सारी बीमारियों को दूर किया है पिता परमेश्वर। हे यीशु, क्योंकि आपने पिता तो मुर्दों को जिलाया है, आज हमारे जीवन को छू पिता परमेश्वर। आज हम चिंता में हैं, आज हम डिप्रेशन में हैं, अपने बच्चे के जीवन को लेकर के चिंतित हैं, अपने घर को लेकर के, अपने काम को लेकर के, अपने बिजनेस को लेकर के, अपने जॉब को लेकर के, हर एक कामों को लेकर के आज हम पिता चिंतित हैं। आपके सामने घुटने टेक करके प्रार्थना और विनती और निवेदन करते हैं पिता कि आप हमें छूने वाले आप हैं पिता परमेश्वर। हालेलुया, 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 धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, प्रभु आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। इन द नेम ऑफ जीसस, इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु मसीह के नाम से हम विनती और प्रार्थना और निवेदन करते हैं पिता परमेश्वर। आज हमारे घर से, आज हमारे शरीर से, आज हमारे जीवन से हर प्रकार की बीमारियां, हर प्रकार के रोगाणु विषाणु निर्बलताएं मेरे जीवन से निकल यीशु मसीह के नाम से। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, प्रिय अपना हाथ तमाम भाई और बहनों को पर रखे पिता परमेश्वर, क्योंकि वो आज आप पर विश्वास करते हैं, आपके वचन पर विश्वास करते हैं, भरोसा रखते हैं पिता परमेश्वर। आप उन्हें छूने वाले हैं यीशु मसीह के नाम से। हर प्रकार की आज्ञाओं को हम आज्ञा देते यीशु मसीह के नाम से, निकल यीशु मसीह के नाम से, निकल यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, 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 धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, प्रभु आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर इस सुंदर से समय के लिए। जो भी आपके बच्चे हैं, जो भी आपके बेटे और बेटियां प्रार्थना को सुन रहे हैं पिता परमेश्वर, अपने मुंह से बोल रहे हैं पिता परमेश्वर, प्रार्थना कर रहे हैं पिता परमेश्वर, आज उन्हें छूने वाले आप हैं पिता परमेश्वर। हालेलुया, 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 धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, प्रभु आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। मेरे प्रिय भाई बहनों, सभी लोग आज्ञा दीजिए, इतनी मेरी बहने हैं, इतने मेरे भाई हैं, सभी लोग आज्ञा दीजिए, अपने जीवन से बोलिए, अपने मुंह से बोलिए कि मेरे जीवन से यीशु मसीह के नाम से हर प्रकार की दुष्ट आत्माएं, जो भी आपके जीवन में दिक्कत है, जो भी प्रॉब्लम है, जिस बारे में आप सोचते हैं कि मेरा काम होगा कि नहीं होगा, सब काम आपका सफल होगा, क्योंकि परमेश्वर का वचन भी कहता है। आप याद रखिएगा सबोपदेशक अध्याय 3 में, पृथ्वी और आकाश के बीच में जो भी कुछ होता है उसका समय मैंने निर्धारित किया है। तो परमेश्वर आज आपको यदि जॉब नहीं मिल रही है तो आपको परमेश्वर बेहतर जॉब देने जा रहा है। आपको नौकरी नहीं मिल रही है तो परमेश्वर आपको नौकरी देने जा रहा है। आपका बिजनेस नहीं चल रहा है तो परमेश्वर आपके बिजनेस में बढ़ोतरी करने जा रहा है। आपके पास ज्ञान नहीं है, आपके पास बुद्धि नहीं है, आपके पास समझ नहीं है, आपके घर में पैसे की प्रॉब्लम्स है, आपके घर में दिक्कत है, आपके घर में केस चल रहे हैं, आप पुलिस कोर्ट कचहरी में घूम रहे हैं, परमेश्वर आपको आजाद करने जा रहे हैं मसीह के नाम से। दूर यीशु मसीह के नाम से, दूर हो हर एक प्रकार की समस्याओं के लिए दुआ करते हैं पिता परमेश्वर। आज जिन मसीह भाई बहनों के जीवन में जो भी समस्या है यीशु मसीह के नाम से हम आज्ञा देते हैं, आज्ञा देते हैं यीशु मसीह के नाम से कि हर प्रकार की दुष्ट आत्माएं, हर प्रकार की बीमारियां इनके जीवन से निकले यीशु मसीह के नाम से, दूर हो यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, 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 धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, प्रभु आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा करते हैं, आपका धन्यवाद करते हैं। याद करिए, प्रार्थना करते समय याद करिए कि प्रभु यीशु मसीह ने अंधों को ठीक किया था, अंधों को रोशनी दी थी, उन्होंने अंधों को जीवन दिया, श्वासें दी। आज परमेश्वर का धन्यवाद करिए, धन्यवाद करिए कि हे परमेश्वर, आपने अंधों को ठीक किया, आपने कोढ़ियों को ठीक किया, आपने दुष्ट आत्माओं को निकाला, आपने मुर्दों को जीवित किया, आपने अनेक प्रकार के रोगों को ठीक किया, अनेक प्रकार के दुष्ट आत्माओं को निकाला। आज मेरे घर से, मेरे जीवन से, मेरे जॉब से, मेरे कामों से हर एक प्रकार की दुष्ट आत्माएं मेरे घर से निकले यीशु मसीह के नाम से। हम विनती और प्रार्थना निवेदन
करते हैं। पिता परमेश्वर कि आप इस सृष्टि के मालिक हैं, आप उद्धारकर्ता और जीवन देने वाले पिता आप यीशु मसीह के नाम से हालेलुया 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 धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो इन द नेम ऑफ जीसस। आप घबराइए मत, आपके जो आंसू बहते हैं परमेश्वर से पहुंचने के लिए आया है, आपके जो दिल टूटा हुआ है परमेश्वर से जोड़ने के लिए आया है, क्योंकि आप परमेश्वर से प्रेम करिए, परमेश्वर से प्रेम करिए, क्योंकि परमेश्वर आपसे प्रेम करेगा, आपके जीवन में आशीष देगा, आपके बच्चों को लेकर के जो आप चिंतित हैं, अब आप अपनी जिंदगी में परेशान हैं कि मेरे बच्चे आगे चल करके कैसे होंगे, परमेश्वर उन्हें आशीष देगा, उन्हें बरकत देगा, उन्हें रास्ता देगा, एक नई जिंदगी देगा, एक नई शुरुआत करेंगे। जो आपके बच्चे बिगड़ चुके हैं परमेश्वर कहता उनके लिए प्रार्थना करो, उनके लिए दुआ करो, उनके लिए विनती करो, उनके लिए प्रार्थना करो, क्योंकि प्रार्थना ही के द्वारा हम अपने घर को, अपने परिवार को, अपनी सोच को, अपने कामों के लिए, अपने ज्ञान के लिए, अपने बुद्धि के लिए, अपनी समझ के लिए, हर एक चीजों के लिए प्रार्थना करना है, हमें हर एक चीजों के लिए आज्ञा देना है, क्योंकि परमेश्वर हमें आजाद करने के लिए आया है, हमें हर एक प्रकार की समस्याओं से बचाने के लिए है। हालेलुया हालेलुया धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति इन द नेम ऑफ जीसस। यीशु मसीह के नाम से आज हर एक मसीह भाई बहन आज्ञा देंगे, आज्ञा दे यीशु मसीह के नाम से आज्ञा दीजिए, जितने मेरे बहने हैं, जितने मेरे भाई हैं, सभी लोग आज्ञा दीजिए यीशु मसीह के नाम से कि मेरे घर से दुष्ट आत्माएं निकले। आज जो हमारे जीवन में सताव है, जो आज हमारे जीवन में परेशानियां हैं, पैसे की दिक्कत है, बहुत सारी तंगी है, काम नहीं चल रहे हैं, जॉब नहीं चल रहे है, नौकरी नहीं मिल रही है, काम नहीं मिल रहा है, सब कुछ परमेश्वर आपके जीवन में पूरा करने जा रहे हैं इस मसीह के नाम से। जो आज बच्चे, जो अपने बच्चे के जीवन को लेकर के घबराए हुए हैं, मेरी बेटी की शादी कैसे होगी, परमेश्वर पूरा करने वाला है, उन्हें एक अच्छा रिश्ता देने वाला है। आज ये सोच रहे हैं कि मेरे बेटे के जीवन को एक अच्छी लड़की कैसे मिलेगी, आज उनके जीवन को परमेश्वर छूने जा रहा है, उनको ब्लेसिंग करने जा रहा है, उन्हें आशीष देने जा रहा है। आप चिंता मत करिए, आप धैर्य रखिए, आप भरोसा रखिए, आप विश्वास करिए। परमेश्वर का वचन कहता है, यीशु मसीह ने कहा था कि यदि तुम परमेश्वर विश्वास रखते हो तो मुझ पर विश्वास रखो, क्योंकि मैं तुम्हारे जीवन की हर एक चीज की घटी और कमी को पूरा करूंगा। तो आज हमारा परमेश्वर हमारी जिंदगी को छूने वाला है। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। आज हर प्रकार की बीमारियों के लिए, सर्दी, जुकाम, बुखार, पैरों में दर्द, घुटनों में दर्द, अनेक प्रकार की बीमारियां, अनेक प्रकार की समस्याएं, अनेक प्रकार के रोग यीशु मसीह के नाम से दूर हो जाए, यीशु मसीह के नाम से निकल, यीशु मसीह के नाम से कैंसर हो, यीशु मसीह के नाम से निकल जा, यीशु मसीह के नाम से पथरी है, यीशु मसीह के नाम से स्टोन है, पिता परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से दूर, यीशु मसीह के नाम से सिर पे, हाथों पे, घुटनों पे, पेटों पे, जहां भी किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत हो वहां पे हाथ रखिए, क्योंकि परमेश्वर आपको आज जांच करने जा रहा है। आपकी हर प्रकार की रसौलियां, हर प्रकार की बीमारियां, हर प्रकार की समस्याएं आपके जीवन से निकलने वाली यीशु मसीह के नाम से निकलेंगे, यीशु मसीह के नाम से दूर होंगे, यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया हालेलुया। सत्कलम 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 से यीशु मसीह के नाम से पिता परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से दूर, यीशु मसीह के नाम से आज इनके घर से बीमारियां दूर, यीशु मसीह के नाम से जिस पर ये हाथ रखे हैं पिता परमेश्वर, चाहे अपने शरीर पर, चाहे दूसरे के सिर पे हाथ रखे हुए पिता परमेश्वर, आज इनके जीवन को छू पिता परमेश्वर, उन्हें ब्लेस कर, उन्हें हर प्रकार की बीमारियों से बचाने वाले आप है पिता परमेश्वर। आप जिंदा जीवित यहोवा परमेश्वर हैं, आपने सृष्टि और संसार को बनाया है, आपने इस पृथ्वी को रचा है पिता परमेश्वर। हालेलुया 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 हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो इन द नेम ऑफ जीसस। यीशु मसीह के नाम से दूर हो जा, यीशु मसीह के नाम से निकल, यीशु मसीह के नाम से निकल जा इनके घर से। हर प्रकार की बीमारियां, हर प्रकार के रोगाड़ विषाड़ निर्बलताएं इनके जीवन से निकल जाए यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो इन द नेम ऑफ जीसस, इन द नेम ऑफ जीसस। यीशु मसीह के नाम से हर प्रकार की समस्या, हर प्रकार की बीमारी, हर प्रकार के रोगाणु विषाणु निर्बलताएं इनके जीवन से निकलने पाए यीशु मसीह के नाम से, दूर हो जाए यीशु मसीह के नाम से, दूर यीशु मसीह के नाम से। आज इसी वक्त यीशु मसीह के नाम से हर प्रकार की समस्याएं निकलने पाए यीशु मसीह के नाम से। हम विनती और प्रार्थना और निवेदन करते हैं, अब मेरे हर एक मसीह भाई बहन आज्ञा दीजिए, आज्ञा दीजिए, आज्ञा दीजिए, आज्ञा दीजिए। इसी वक्त आपके बेटी के जीवन से निकलने वाला है वो शैतान, आपके घर से निकलने वाला है, आपके जीवन से निकलने वाला यीशु मसीह के नाम से। हम धन्यवाद करते हैं, आपकी महिमा करते हैं, आपकी प्रशंसा करते हैं, आपका बखान करते हैं। हालेलुया हालेलुया। यीशु मसीह के नाम से मेरे घर से, मेरे परिवार से, मेरे काम से, मेरे बिजनेस से, मेरे हर एक चीजों से यीशु मसीह के नाम से आज्ञा देता हूँ, आज्ञा देता हूँ यीशु मसीह के नाम से। दूर यीशु मसीह के नाम से निकल, मेरे घर
घर से निकल, मेरे जॉब से निकल, मेरे बेटे के जीवन से निकल, मेरे पति के जीवन से निकल, मेरे पत्नी के जीवन से निकल, मेरे हर एक कामों से निकल यीशु मसीह के नाम से। हे शैतान, हे दुष्ट आत्मा, हे गंदी आत्मा, हे गूंगी आत्मा, हे बहरी आत्मा, हर प्रकार की दुष्ट आत्माओं को आज्ञा दी यीशु मसीह के नाम से, दूर हो यीशु मसीह के नाम से, निकल यीशु मसीह के नाम से। हम आज्ञा देते हैं उस पावरफुल नाम से, आज्ञा देते उसके लहू के नाम से, आज्ञा देते यीशु मसीह के लहू के नाम से, दूर हो जा, इसी वक्त निकल इनके घर से। हर प्रकार की बीमारियां, चाहे वो किसी भी प्रकार की बीमारी हो, छोटी से लेकर के बड़ी तक क्यों नहीं हो बीमारी, आज वो दवा खाते यीशु मसीह के नाम से, दूर यीशु मसीह के नाम से। आज मेरे शरीर से, मेरे घर से, मेरे जीवन से यीशु मसीह के नाम से निकल यीशु मसीह के नाम से। हम विनती और प्रार्थना और निवेदन करते यीशु मसीह के नाम से कि आज मेरे घर से आपने सारी समस्याओं को दूर कर दिया यीशु मसीह के नाम से। निकल यीशु मसीह के नाम से, निकल यीशु मसीह के नाम से, निकल यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। इन द नेम ऑफ जीसस, इन द नेम ऑफ जीसस, इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु मसीह के नाम से, यीशु मसीह के नाम से, मेरे बेटे के जीवन से, मेरे घर से, मेरे परिवार से आज्ञा दीजिए, आज्ञा दीजिए, आज्ञा दीजिए यीशु मसीह के नाम से, आज्ञा दीजिए। निकलने वाला वो शैतान आपके घर से है, निकल यीशु मसीह के नाम से। डांट करके भगाइए, डांट करके यीशु मसीह के नाम से, डांट करके उस शैतान को जो आपके कामों में रुकावटें लाता है, जो आपके घर में बीमारियां लाता है, जो आपके घर में पैसे की समस्या लाता है, वो हर एक प्रकार की बीमारियों को दूर कर यीशु मसीह के नाम से। निकल यीशु मसीह के नाम से। हे शैतान, हे दुष्ट आत्मा, हे गंदी आत्मा, हर प्रकार की अशुद्ध आत्मा यीशु मसीह के नाम से सब दूर हो जाए यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। अंतिम आज्ञा दीजिए, अंतिम आज्ञा दीजिए, अंतिम आज्ञा दीजिए यीशु मसीह के नाम से। आपके घर से निकले यीशु मसीह के नाम से, अंतिम आज्ञा दीजिए। हर एक चीजों को, हर एक चीजों को समेट कर यीशु मसीह के नाम से सब कुछ निकाल दीजिए अपने घर से, अपने जीवन से यीशु मसीह के नाम से। विदा परमेश्वर, आज आपके घर में शैतान है जो भागने वाला है, जो आपके घर में अनेक प्रकार की दुष्ट आत्माएं हैं वो निकलने वाली हैं, जो आपके कामों में अनेक प्रकार की दुष्ट आत्माएं बाधा डाल रही यीशु मसीह के नाम से, दूर यीशु मसीह के नाम से। निकल यीशु मसीह के नाम से, निकल यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, 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 हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु मसीह के नाम से आपने सब कुछ दूर कर दिया, इसके लिए बहुत बहुत मैं दिल से आपका धन्यवाद करता हूँ यीशु मसीह के नाम से। पिता परमेश्वर, आमीन। मेरे प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर आपकी जिंदगी में हर एक समस्याओं को दूर कर दिया है, आपने आज्ञा दिया है। परमेश्वर आपके जीवन में हर एक चीज को दूर करने वाला है जो शैतानी ताकत की ओर से है, जो दुष्ट आत्माओं की ओर से है, वो हर एक काम आपके सफल होने वाले हैं जो आप अपनी जिंदगी में चाहते हैं। परमेश्वर आपकी हर एक घटी और कमी को पूरा करने वाला वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। तो मेरे प्रियो, आप प्रार्थना कर चुके हैं और विश्वास भी कर चुके हैं कि परमेश्वर ने मेरे जीवन से सब कुछ दूर कर दिया है, हर प्रकार की दुष्ट आत्माओं को, हर प्रकार की गंदी आत्माओं को, और परमेश्वर से हमने अच्छे के लिए प्रार्थना किया, दुआ किया कि हमें परमेश्वर आशीष दे, ज्ञान दे, बुद्धि दे, समझ दे, ताकि हम परमेश्वर आपकी महिमा कर सकें, आपकी स्तुति कर सकें, हम अच्छे रहें, भले रहें, चंगे रहें। परमेश्वर ने सब कुछ आज आपके जीवन से निकाल दिया है, तो आपको धैर्य रखना है, आपको विश्वास रखना है कि परमेश्वर आपकी जिंदगी में काम कर सके, आपको आशीष दे सके। मेरे बहुत सारे मसीह भाई बहन ऐसे हैं जो कहते हैं कि हम दान देना चाहते हैं, तो आप अपनी स्वयं की इच्छा के अनुसार दिए गए स्क्रीन नंबर पर जो आपको दिखाई दे रहा है उसमें आपको छोटा सा क्यूआर कोड भी आपको दिखाई देगा। यदि आप क्यूआर कोड से भेजना चाहते हैं तो क्यूआर कोड से भेज सकते हैं। यदि आप अकाउंट नंबर पाना चाहते हैं तो आपको दिया गया है, आप उसको देख करके उसमें भेज सकते हैं। परमेश्वर आपके हर एक कामों में हर एक बढ़ोतरी करने वाला वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, जिसने सृष्टि का मालिक है, जिसने सृष्टि को रचा है, ब्रह्मांड को बनाया है, जिसने हम सभी मनुष्यों को बनाया है। तो परमेश्वर का दिल से बहुत बहुत हम धन्यवाद करते हैं यीशु मसीह के नाम से। पिता परमेश्वर, आमीन।